তো চলুন আমরা সবাই মিলে ভিডিওটা দেখে আসি। দার্জিলিং আমরা ওখানে গেছি, নাম তো সিমলা, মানালি, মানালি ওটি অসম্ভব সুন্দর, যারা জানবি তারা অবশ্যই জানবে। স্বাগতম সবাইকে, বিচ রিঅ্যাকশনে আমরা চলে এলাম আপনাদের সঙ্গে নতুন একটি ভিডিও শেয়ার করার জন্য। তুমি বলবে না আমি বলবো? তুমি বলো, কারণ হচ্ছে আজকে আমি তোমাকে খুব সুন্দর জায়গায় নিয়ে যাব। তুমি অনেক পাহাড়ের স্টেশনে গিয়েছো, আমি ঠিক সেরকম স্টেশনে নিয়ে যাব তোমাকে। তার মানে তুমি বলেই দিচ্ছ কি? আর ভিডিওটির টাইটেল হচ্ছে টপ 10 বেস্ট হিল স্টেশন ইন ইন্ডিয়া। আর এই ভিডিওটি নেওয়া হয়েছে টপ 10 হিন্দি চ্যানেল থেকে। তো চলুন আমরা সবাই মিলে ভিডিওটি দেখে আসি। ভারতের টপ 10 হিল স্টেশন। মিউজিক সুন্দর। আমরা মানে টপ 10 এর অনেক বেশি। হ্যালো দোস্তো, আজ হম বাত করনে ওয়ালে হ্যায় ভারত কে টপ 10 হিল স্টেশন কে বারে মে, জাহাঁ জানা হর কিসি কা সপনা হোতা হ্যায়। হিল স্টেশনস কা নাম সুনতে হি दिमाग में आता है वहाँ का मौसम, सुंदरता, मनोरंजन और खाना। यही कारण है कि कई लोग हर साल अलग अलग हिल स्टेशन पर जाना पसंद करते हैं, खासकर गर्मियों के मौसम में जब हिल स्टेशन किसी स्वर्ग से कम नहीं होते। वैसे तो भारत के हर एक शहर के पास कोई ना कोई हिल स्टेशन है, पर आज हम ऐसे आपको 10 हिल स्टेशन के बारे में बताएंगे ताकि आपको इस साल अपनी पसंदीदा जगह चुनने में ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। 10 मंसूरी। तो चलिए शुरू करते हैं मंसूरी से। मसूरी उत्तराखंड राज्य के देहरादून से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। इस हिल स्टेशन से शिवालिक पर्वतमाला और दून घाटियों का नजारा देखते ही बनता है। इस जगह का नाम मंसूर नाम की झाड़ी से लिया गया है जो इस क्षेत्र में बहुत अधिक पाई जाती है। गर्मियों में यहाँ का मौसम सुहावना रहता है और सर्दियों में यह बर्फबारी का मजा भी लिया जा सकता है। अगर आप भी यहाँ जाने की सोच रहे हैं तो यहाँ के कैंपटी फॉल, लाल टिब्बा, ज्वाला देवी मंदिर और झरी पानी झरने को जरूर देखें। 9 अल्मोड़ा। अल्मोड़ा को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। यहाँ के बर्फ के पहाड़, रुई जैसे सफेद बर्फ, हरी भरी घास, सुंदर झरने और यहाँ से सुंदर दृश्य इस हिल स्टेशन की सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। यहाँ पहुंचकर आप अपनी थकान को पल भर में ही भूल जाएंगे। यहाँ का नैना देवी मंदिर, ब्राइट एवं कॉर्नर, चितई मंदिर, कटार मल मंदिर, बीनरस और कोसी देखने के योग्य है। अगर आप ट्रेकिंग के शौकीन हैं, तो भी अल्मोड़ा आपके लिए उपयुक्त है। 8 माउंट आबू। माउंट आबू राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन है। जहाँ राजस्थान में इतनी गर्मी पड़ती है, वहीं माउंट आबू में तापमान कम रहता है। आज ही नहीं बल्कि कई सालों पहले जब राजस्थान के राजा महाराजा गर्मी से बेहाल हो जाते थे तो राहत पाने के लिए वो भी माउंट आबू ही आया करते थे। पहाड़ों से घिरा हुआ यह हिल स्टेशन सुंदर कलाकृतियों वाले मंदिरों से भरा है। यह जगह केवल हिंदुओं की ही नहीं बल्कि जैन धर्म के लोगों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। राजस्थान की राजसी संस्कृति की झलक भी इस स्थान पर साफ देखने को मिलती है। 7 दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से 80 किलोमीटर दूर यह हिल स्टेशन किसी जन्नत से कम नहीं है। दार्जिलिंग की सुंदरता का जादू ही है जिसके कारण यहाँ हर मौसम में लोगों की भीड़ रहती है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ आपको भी अपने जीवन में कम से कम एक बार जरूर जाना चाहिए। यहाँ की सुंदरता ही नहीं बल्कि यहाँ उगने वाली चाय भी पूरे संसार में प्रसिद्ध है। ये हिल स्टेशन को अंग्रेजों के समय में ही विकसित हो गया था। अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ की टॉय ट्रेन की यात्रा करना ना भूलें। 6 मुन्नार, केरल। केरल राज्य का यह हिल स्टेशन भारत के ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। यह हिल स्टेशन अंग्रेजों के समय से ही प्रसिद्ध है। अंग्रेजों के समय में यह उनका ग्रीष्मकालीन रिजॉर्ट हुआ करता था। मुन्नार शब्द असल में एक मलयालम शब्द है जिसका मतलब होता है तीन नदियों का संगम। मुन्नार में मधुरपुजह, नल्लाथन्नी और कुंडाली नदियाँ एक ही जगह पर मिलती हैं। मुन्नार अपने बेहतरीन मौसम के साथ साथ यहाँ दूर दूर तक फैले चाय के बागान, छोटी छोटी नदियाँ और झरने के लिए भी प्रसिद्ध है। 5 मनाली। हमारी लिस्ट में 5वें स्थान पर है मनाली। ऋषि मनु का घर माना जाने वाला मनाली किसी पहचान का मोहताज नहीं है। मनाली को इसकी सुंदरता के साथ साथ इसके हिंदुओं के लिए धार्मिक महत्व के लिए भी जाना जाता है।
मनाली तक पहुंचना बहुत ही आसान है और यहां आपको अपने मनोरंजन के लिए वो सब कुछ मिल जाएगा, जैसे रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, ट्रैकिंग, हाइकिंग आदि। यहां कई ऐसे स्थान हैं जहां आपको जरूर जाना चाहिए, जैसे हिडिम्बा मंदिर, विशिष्ट कुंड, मणिकरण, रोहतांग पास, सोलंग नाला। इसलिए जब भी यहां जाएं, अतिरिक्त समय निकाल कर जाएं। 4. ऊटी, तमिलनाडु। ऊटी शहर उधग मंडलम के नाम से भी जाना जाता है, जो तमिलनाडु ही नहीं बल्कि कर्नाटक राज्य की सीमा से भी सटा हुआ है। इस हिल स्टेशन पर पहुंचने के लिए आप वायुयान, ट्रेन या बस किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही यहां चलने वाली टॉय ट्रेन भी आपको जरूर भाएगी। दक्षिण भारत के अन्य स्थानों की तुलना में यहां का मौसम हमेशा ठंडा और खुशनुमा रहता है, इसलिए गर्म कपड़े साथ लेकर जाएं। डोडा बेटा चोटी, बॉटनिकल गार्डन, ऊटी झील, कालहट्टी जलप्रपात, कोटा गिरी हिल यहाँ के दर्शनीय स्थानों में से है। 3. नैनीताल, उत्तराखंड। नैनीताल को जाना जाता है अपनी झीलों के लिए। यह जगह पूरी तरह से झीलों से घिरी हुई है। उत्तराखंड का यह हिल स्टेशन पर्यटकों का पसंदीदा स्थान है। आपको चाहे अपने दोस्तों के साथ घूमना हो या परिवार के साथ कुछ अच्छा समय बिताना हो, हर तरह से यह स्थान आपके लिए परफेक्ट है। गर्मियों में नैनीताल की खूबसूरती और ठंडा मौसम सैलानियों को अपनी तरफ खींच लाते हैं, और सर्दियों में बर्फबारी और विंटर स्पोर्ट्स इसे और भी आकर्षक बना देते हैं। यहाँ की सुंदरता ही काफी है किसी को भी पागल करने के लिए। 2. शिमला, हिमाचल प्रदेश। दूसरे स्थान पर है शिमला। हिमाचल प्रदेश के इस छोटे हिल स्टेशन को पहाड़ों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। यह अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। यहाँ की सुंदरता को शब्दों में बताना बहुत ही मुश्किल है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ की हर चीज अनोखी है, फिर वो चाहे यहाँ का मॉल रोड हो या जाकू मंदिर, मशोबरा हो या कुफरी। शिमला की हर एक जगह में आपको ब्रिटिश समय की झलक देखने को मिलती है। सर्दियों के समय में यहाँ जमकर बर्फ गिरती है और साल के अन्य महीनों में यहाँ का मौसम ठंडा रहता है। एक, श्रीनगर, कश्मीर। किसी शायर ने कश्मीर के बारे में कहा था कि अगर इस धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है। ये जगह है ही इतनी खूबसूरत कि इसे देखकर किसी के भी मुंह से यह निकले। ये एक ऐसा शहर है जिसमें कोई कमी नहीं है। सुंदर झीलें, धार्मिक स्थान, चारों ओर हरी भरी जमीन, हाउस बोट इस स्थान को हर तरह से संपन्न बनाते हैं। इस स्थान की सुंदरता को देखने का सपना मेरी तरह कई लोगों ने देखा होगा, पर पिछले कई सालों से यहाँ फैले आतंकवाद के कारण यहाँ कम लोग ही पहुँच पाते हैं। उम्मीद है कि आने वाले सालों में यहाँ शांतिपूर्ण माहौल हो ताकि हम यहाँ जाने का अपना सपना पूरा कर पाएं। हमारे इस वीडियो को देखने का धन्यवाद। अगर यह आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस पर कमेंट करके हमें बताएं कि अगर आपको मौका मिले तो आप इनमें से कौन से हिल स्टेशन जाना पसंद करेंगे। इसके साथ ही हमारे अन्य वीडियो को भी जरूर पसंद मानाली আর শ্রীনগর তো যেতে চাই, দুটা আরেকটা জায়গা নাম ওটি শিমলা এবং প্রথমে আরো কিছু ছিল, সবগুলো নাম মাশাল্লাহ আমাদের মনে রাখা সম্ভব না। আর আমি না অ্যাকচুয়ালি মনে করেছিলাম কি ভিডিওটি হবে হিল স্টেশন, মানে হচ্ছে যে ট্রেনের স্টেশন হবে এরকম কিছু চিন্তা করে ভিডিওটি দেখেছিলাম, কিন্তু এখানে আসলে বিষয়টি বোঝা যাচ্ছে অন্য কিছু, ব্যাপারটা অন্যরকম। আমিও তাই ভেবেছিলাম যে নিশ্চয়ই এখানে ট্রেন স্টেশন আছে, সেই স্টেশনের আশেপাশে পরিবেশটা দেখাবে কেমন বা ট্রেন স্টেশনটা কেমন দেখতে এরকম কোনো কিছু দেখাবে, আর সেটা আসলে না অ্যাকচুয়ালি দেখিয়েছে যা ঘুরতে যাওয়ার জন্য হিল যে ডেস্টিনেশনগুলো আছে বা শহরগুলো আছে সেগুলোকে মূলত দেখিয়েছে। তো ওভারঅল ভিডিওটি আমরা একটু চমকপ্রদ হয়েছে আমাদের জন্য, কারণ আমরাও এটা অন্যরকমভাবে বুঝেছিলাম। আমরা আসলে ভিডিও টাইটেল দেখে একরকম চিন্তা করেছি এবং ভিডিওর ভিতরে অন্যরকম ছিল, তবে হ্যাঁ হিল স্টেশন ছিল, যেমন হচ্ছে দার্জিলিংয়ের হিল স্টেশনটা দেখানো হয়েছে এবং দার্জিলিংয়ে কিন্তু আমরা গিয়েছি এবং সেখানে যে হিল স্টেশন সেখানে আমরা অনেকটুকু সময় পাস করেছিলাম, মনে আছে তোমার যে ওখানে কিন্তু আমরা অনেক সময় দাঁড়িয়েছিলাম। জায়গাটা কিন্তু অসম্ভব সুন্দর, যারা জাননি তারা অবশ্যই যাবেন আমার কাছে, এবং সেও কিন্তু বলে দিয়েছে যে এখানে জীবনে একবার হলেও যেতে হবে দার্জিলিং এ। না আসলে সুন্দর, সুন্দর যে কি বলবো, অনেক সুন্দর।
চা বাগান চারপাশে, তারপর হচ্ছে এবং সকালবেলা যে টাইগার হিলের যে সূর্য দেখা, এসব কিছু মিলে দার্জিলিং এর আমাদের যে ঘোরাটা ছিল সেটা অসম্ভব সুন্দর ছিল। তারপর অ্যাকচুয়ালি করোনার জন্য কিছু প্ল্যান তো মিস হয়ে গেল, না হয় হয়তো বা সিমলা মানালির প্ল্যানটাও হয়তো হয়ে যেত এর মাঝখানে। যাই হোক, ওভারঅল ভিডিওটি আসলে সুন্দর ছিল এবং আমি মনে করি যে আপনাদেরও পছন্দ হয়েছে আমাদের আজকের এই ভিডিওটি। আর আজকের ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করবেন এবং কমেন্টস করে জানাবেন আর কোন কোন ধরনের ভিডিও আমরা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারি। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আজকের মতো আমরা এখানেই বিদায় নিচ্ছি।